मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के लिए इस बार खुशखबरी है और 1 मार्च यानी आज का दिन खुशियों से भरा है क्योंकि लाडली बहना योजना की जो किस्त है वो 1 मार्च यानी कि आज ही के दिन आने वाली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही के दिनों में यह ऐलान किया था कि हर महीने लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली 1250 रुपए की राशि इस बार 10 मार्च को नहीं बल्कि 1 मार्च को ही तमाम लाभार्थी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके पीछे डॉक्टर मोहन यादव ने वजह बताई थी क्योंकि मार्च के महीने में कई सारे त्योहार हैं तो ऐसे में मोहन सरकार ने फैसला किया है कि इस बार जो लाडली बहना योजना की राशि है वो 10 मार्च के बजाय 1 मार्च को ही सभी महिलाओं के लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। और बहनों और खासकर बहनों आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं, ये आपके अपने इस छोटे से कार्यकर्ता का और प्रदेश के मुखिया का, मुख्यमंत्री का। और मुख्यमंत्री क्यों, मैं तो अपने आप को मुख्य सेवक मानता हूं। जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है तो डॉक्टर मोहन यादव कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री मान सकता है। मुख्यमंत्री केवल संवैधानिक दायित्व के आधार पर, लेकिन प्रधान सेवक के साथ मैं भी मुख्य सेवक के रूप में आपकी भूमिका निभाने आया हूं। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की थी। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई इस योजना को विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक मास्टर स्ट्रोक माना गया था और कहीं ना कहीं प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी का रास्ता भी इस योजना ने खोला है ऐसा माना जाता रहा है। वहीं ये भी बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस बात को मन से कहते हुए दिखाई दिए हैं कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी क्योंकि विपक्ष लगातार लाडली बहना योजना के बंद होने का आरोप या बीजेपी के द्वारा बंद करने का आरोप लगाता रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक बार फिर डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की तमाम महिलाओं को खुशखबरी दी है और अब 1 मार्च यानी कि आज के दिन लाडली बहना योजना के तहत जो राशि 1250 रुपए की महिलाओं के लाभार्थियों के खाते में जाती है वो जमा हो जाएगी। मामले में जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।